Hey lovely people, welcome back to my kitchen. जैसे आप सभी को पता है वैलेंटाइन डे आने वाला है एंड दिस इज द डे टू शो योर लव एंड लव शो करने के लिए चॉकलेट्स और डेजर्ट्स से बेटर जो कुछ हो ही नहीं सकता है. सो आज इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं चॉकलेट स्विस रोल, वो भी बिना माइक्रोवेव के. सो आइए शुरू. चॉकलेट स्विस रोल्स बहुत ही सॉफ्ट और डिलीशियस बनने वाले हैं. एक मिक्सिंग बाउल में हम 1/4 कप ऑयल लेंगे और बोल के ऊपर एक सीव प्लेस करेंगे. अब हम ऐड करेंगे 1 कप मैदा, 3/4 कप पिसी हुई चीनी, 1/4 कप कोको पाउडर, 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा और सभी इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे. सारे रो इंग्रेडिएंट्स को हम पहले ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अब इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करके स्मूथ बैटर प्रिपेयर करेंगे. एक बात का आप ध्यान रखें, एकदम से बहुत सारा मिल्क इसमें नहीं ऐड करना है, अदरवाइज बैटर में बहुत ज्यादा लम्स पड़ जाएंगे. आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी बैटर ना ज़्यादा पतला है और ना ही थिक. अब हम कोई भी एक मोल्ड लेंगे और उसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे. चॉकलेट बैटर जो हमने प्रिपेयर किया था वो हम मोल्ड में ट्रांसफर कर लेते हैं. बैटर को अच्छे से सेट करने के लिए और एयर बबल्स रिमूव करने के लिए हम इसको टैप करेंगे. अब हम ये बेस बेक करने वाले हैं फॉर 30 to 35 मिनट्स. आप देख सकते हैं बेस कितने अच्छे से बेक हुआ है. अब इसको ठंडा होने देंगे और फिर डीमोल्ड कर देंगे. यू कैन सी कितना स्पॉन्जी और सॉफ्ट बेस बना है. हमें इस बेस को क्रश करना है. थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करके इससे एक सॉफ्ट डो प्रिपेयर करेंगे. अब इस डो को हमें 2 प्लास्टिक रैप के बीच में रखना है और इसको थोड़ा पतला पेल लेंगे, जस्ट लाइक अ चपाती. ऊपर वाले प्लास्टिक रैप को हम हटा देंगे और बेस शीट को रेक्टेंगुलर शेप में कट कर लेंगे. शीट के ऊपर हमें अप्लाई करनी है थिक व्हिप्ड क्रीम. ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे एप्पल, जिसको मैंने बहुत छोटा चॉप किया हुआ है. सम रेजिंस दैट इज किशमिश, इनको भी मैंने चॉप किया है. अब हम बहुत ही केयरफुली प्लास्टिक रैप से अलग करते हुए शीट को रोल करेंगे. अब हम इसको 2 से 3 घंटे फ्रीज करके पीसेस में कट करके सर्व कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.